दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ईशांत शर्मा आखिरी ओवर में कमर तोड़ने वाला यॉर्कर फेंका, जिसके बाद आंद्रे रसेल अपने बैलेंस पर काबू नहीं रख पाए, मुंह के बल गिर पड़े। यह यॉर्कर इतना तेज और परफेक्ट था कि आंद्रे रसेल अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला। वैसे आंद्रे रसेल के साथ इसे लेकर दो बार ये कारनामा हो चुके हैं। साल 2016 में मुस्तफिजुर रहमान के यॉर्कर गेंद पर ठीक इसी तरह गिर पड़े थे। इस मुकाबला में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 272 रन बना दिया, जो आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाया था, जो आईपीएल के हाईएस्ट स्कोर है। कोलकाता नाइट राइडर्स इस रिकॉर्ड को तोड़ने से थोड़ा चूक गए। इस मुकाबला में सुनील नारायण तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नारायण बन गए। ईशांत शर्मा के एक ओवर में 3 छक्का और 2 चौका लगा दिए थे। उनके बैट से 29 गेंदों में 85 रन आए और अंत में हमें रसेल का शो देखने को मिला, 19 गेंदों में 41 रन बना दिया। अगर ईशांत शर्मा के यॉर्कर पर आंद्रे रसेल विकेट न गवाता तो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के हाईएस्ट स्कोर बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद का रिकॉर्ड तोड़ देता।